हेलो एवरीवन, तो अभी आपके बीच में नीतीश के बर्थडे का ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। रात के 12 बज रहे अभी और नीतीश को केक के बारे में कुछ पता नहीं है, और अभी केक दिखाती हूँ आपको। तो ये नीतीश का बर्थडे केक है। अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 मिनट रह गए 12 बजने में, तो अंदर लेके जाते हैं और फिर कट करवाएंगे। शाम तक पार्टी अरेंज करनी पैनी है। मैं पैसे कितों कढ़ा तेरे सामने दा वीजा पाया फर्स्ट ईयर बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीतीश, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस, यहाँ पर अभी फ़िलहाल केक काटने के बाद अभी नीतीश को केक खिलाया जा रहा है। ये नीतीश के दोनों साले हैं, छोटा और बड़ा। ये बड़ा है और पहले वाला छोटा था। तो आप लोग विश नहीं करेंगे क्या? आप लोग विश करिए, ऐसा करिए, आप लोग सिर्फ लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में विश ज़रूर कीजिएगा। ये नीतीश की साली है जो ऑलमोस्ट नीतीश की बहन लगती है, पर ये साली है नीतीश की। और ये नीतीश की मम्मा और नीचे स्कूबी। तो फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। डांस डूंस भी किया था लेकिन वीडियो में डाल नहीं पाए थे क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको हमने स्किप कर दिया डांस वगैरह को। और इनका अलग ही चल रहा है सबका। ये पार्टी के स्नैक्स तैयार हुए हैं अभी अभी, जन आपको अंदर देकर आते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो सारा बाजार से मंगाया हुआ है। तो फिलहाल अभी तो हम लोग यहाँ पे क्लब में आए हैं
और गानों को म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। अभी क्लब में हम लोगों ने केक वगैरह कट किया, क्लब में दोबारा से सेलिब्रेट किया, सबको इनवाइट किया जो जो क्लब में आ रखे थे, और सीरियसली बहुत मज़ा आया। मैं अपनी लाइफ में सेकेंड टाइम क्लब गई हूँ, एक बार वैलेंटाइन डे पे गई थी और एक अब गई थी। तो गाइस यहाँ हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, नितिश को केक काटने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और हम दीदी को लेना भूल गए थे, वो गाना चिल्लाने गई थी हैप्पी बर्थडे वाला और हमने पीछे से इतने केक कट कर दिए, तो वो थोड़ा सा गुस्सा थी, उसके लिए सॉरी। और गाइज यहाँ पर अभी केक कट करने के बाद सब में केक बांट दिया था। मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं थी यहाँ पर जो भी थे, पर उन्होंने एक बार मेरे कहने पे रुक गए थे, बल्कि दो तीन लोग जा भी रहे थे बट उनको मैंने रोका तो वो रुक गए। थैंक यू, सीरियसली सबका थैंक यू, और आप सबके विशेज़ के लिए भी थैंक यू। बाकी निष्ठा को तो बहुत मज़ा था, हुआ ना हो तो से बया, खुद से नाराज हूँ यू बे आवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा, दिल है। पार्टी ख़त्म होने के बाद पूरा दिन हमारा यही चलता रहा, कभी ये कभी वो। अब क्लब में भी हुआ है तो अभी घर जा रहे हैं, रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, तो अभी डिनर नहीं किया है, डिनर साथ में लेके जाएंगे, रोटी वगैरह घर पे बैठ के खाएंगे। तो गाइस ये लास्ट कमरे की हालत देखो क्या हो रखी है, अभी टब खाली कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी पता नहीं ये टब कब खाली होगा, पर इसमें मज़ा बहुत आया। सिर्फ ये कमरे की हालत है अभी, रसोई की और स्टोर की हालत अगर मैंने आपको दिखाई तो सीरियसली आप लोग यही सोचोगे कितना गंद मचा रखा है यार इन्होंने। वहाँ से भी स्लो स्लो पानी बाहर जा रहा है क्योंकि एकदम निकाल दिया तो पूरे कमरे में बाढ़ आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।